एच टी एम एल से हम दो तरह की लिस्ट बनाते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट और दूसरी ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट भी कह सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट कह सकते हैं। और गाइज, आज हम जिस सीएसएस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो इन्हीं दो एचटीएमएल लिस्ट को कस्टमाइज करने के काम में आती हैं। पहली प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, दूसरी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और तीसरी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल इमेज, और चौथी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल जो शॉर्ट हैंड है। तो आइए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो गाइज, मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट यहां पर खोला हुआ है और उसका रिजल्ट हम यहां देख रहे हैं गूगल क्रोम में। और गाइज, यहां पर मैंने HTML में पूरा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को यहां पर बना लिया है। देखिए, ये अनऑर्डर लिस्ट को बॉडी में मैंने और ऑर्डर लिस्ट को बना लिया है। ये सब चीजें तो हम HTML में कर ही चुके हैं। और देखो, यहां पर मैंने CSS को ये लिंक किया हुआ है और देखो इस CSS को मैंने यहां पर खोला हुआ है। तो CSS की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने जैसे कि टहोमा दिया हुआ है, फॉन्ट फैमिली, मार्जिन जीरो किया हुआ है सबका, और पैराग्राफ जो था ये वाला पैराग्राफ ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर इसको थोड़ा सा हैंडल किया हुआ है। इसके अलावा देखो, ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट वैसे ही है। यहां पर देखिए, ये जो ऑर्डर लिस्ट है UL और अनऑर्डर लिस्ट, अब देखो इनके ऊपर मैं CSS अप्लाई करके देखता हूं। तो देखो, यहां चलते हैं CSS में और यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले UL। तो UL से क्या होगा, UL लिखकर हम UL यानी अनऑर्डर लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को, अनऑर्डर लिस्ट को हम हैंडल कर रहे हैं। तो देखो, UL में जाने के बाद अब यहां देखें इधर, तो देखो ये इसका जो मार्कर है UL का, अनऑर्डर लिस्ट का, ये देखो ये डिस्क है, डिस्क। अब ये जो डिस्क, अगर आप यहां पर लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क लगा दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्क ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहता ही है। तो मैं लगा के दिखा देता हूं आपको। तो मैं क्या कर देता हूं, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप में जाने के बाद यहां कर दिया, देखो डिस्क। डिस्क जैसी मैंने किया और सेव किया यहां पर, तो देखो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्क था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहां पर आप सर्कल कर सकते हैं, सर्कल CIRCL सर्कल अगर आप कर देते हैं और सेव करें तो देखो यहां पर सर्कल आ जाता है। सर्कल जैसे सर्कल होता है वैसी सर्कल का देखो यहां पर मार्कर बन गया। इसके अलावा देखो यहां पर तीसरा जो मार्कर का स्टाइल है वो है यहां पर स्क्वायर, तो SQUER स्क्वायर। अब सेव करते हैं आप, तो देखो यहां पर स्क्वायर आ जाता है। इसके अलावा अब आप एक यहां पर नन भी कर सकते हैं कि इसके आगे कोई भी मार्कर ना रहे, तो अब यहां कर दीजिए नन। तो अगर आप नन कर देते हैं तो देखो जैसे ही आप यहां पर सेव करते हैं तो देखो मार्कर यहां से गायब हो गए, ठीक है। तो हम इसे बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, अंडू कर लेता हूं मैं यहां पर, अंडू और सेव करता हूं। देखो ये मैं स्क्वायर रहने देता हूं। ये तो हो गई देखो चार वैल्यूज जो मैंने अनऑर्डर लिस्ट की बताई आपको। इसके अलावा देखो ऑर्डर लिस्ट की वैल्यूज मैं अब आपको बताता हूं, सेवन वैल्यूज ऑर्डर लिस्ट की यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब ये जो ऑर्डर लिस्ट था यहां पर देखो OL, इसको मैं हैंडल करूंगा OL को। तो यहां पर चलते हैं और हम लिखते हैं देखो OL। ये तो आपको पता ही होगा CSS में किस तरह से हैंडल करते हैं, ये मैंने आपको पहले कई सारी वीडियो में बता चुका हूं। तो देखो हम OL लिखते हैं यहां पर ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट को हैंडल करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, और लिस्ट स्टाइल टाइप लिखने के बाद में अब सबसे पहले आप यहां देखिए, ये ऑर्डर लिस्ट में जो यहां पर ये 1 2 3 आ रहा है, ये किस चिड़िया का नाम है भाई, ये कैसे आ रहा है? तो हमने कुछ तो लगाया नहीं, लेकिन ये जो है डेसिमल, इसमें जो लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल अगर आप लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही है, डेसिमल लगाएं या ना लगाएं डेसिमल है। मैं लगा के दिखाता हूं, देखो डेसिमल, मैं डेसिमल है एक, तो डेसिमल जैसे हमने लगाया, सेव किया, तो देखो यहां पर डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो डेसिमल ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहां पर है। अब यहां पर डेसिमल लीडिंग जीरो कर दीजिए आप, लीडिंग जीरो। तो डेसिमल लीडिंग जीरो जब आप करते हैं उसके बाद सेव करें तो देखो क्या होगा, डेसिमल से पहले यानी नंबर से पहले 0 0 लग गया, ठीक है। तो इसे डेसिमल लीडिंग जीरो कहते हैं। इसके अलावा देखो यहां पर हम लगा सकते हैं नन कर सकते हैं, सबसे पहले नन देख लें, नन कर दिया, सेव किया, देखो नन गायब हो जाएगा। और इसके अलावा हम यहां पर लगा सकते हैं, देखिए अपर अल्फा, हमने लगा दिया अपर अल्फा, हमने सेव किया, सेव करने के बाद जैसे ही देखेंगे देखो अपर अल्फा यहां पर आ गया। अगर हम लगा दें यहां पर लोअर अल्फा तो देखो लोअर अल्फा आ जाएगा, अल्फाबेट लोअर अल्फा LOWER लोअर अल्फा में। अब आप सेव करें देखो लोअर अल्फा आ गया। अगर आप यहां पर करते हैं अपर रोमन तो देखो यहां पर कर दीजिए अपर रोमन, अपर रोमन, तो अपर रोमन अगर आप करते हैं तो सेव करें देखो अपर रोमन आ गया। यहां पर लोअर रोमन कर सकते हैं आप, जैसे लोअर
लोअर रोमन सेव करें, लोअर रोमन आ गया। तो ये सात वैल्यू तो मैंने आपको बताई जो हम लगा सकते हैं। तो देखो इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ भी लगा सकता हूँ, जैसे मैंने ए दबाया, इसमें अरेबिक इंडिक आ गया, देखो अरेबिक इंडिक लगाया, मैंने सेव किया तो देखो अरेबिक नॉर्मल इसमें आ गया। इसके अलावा देखो बी दबाओ, बी से जितने आएंगे वो आ जाएंगे, देखो बी अगर बी दबाए तो बंगाली आ गया, देखो बंगाली सेव करें तो बंगाली लैंग्वेज आ गई। देखो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं इसमें ऑर्डर लिस्ट में। और अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजिशन। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन की दो वैल्यू है, इनसाइड और आउटसाइड। तो देखिए करके देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो देखो इसके लिए मैं एचटीएमएल में चलता हूं और थोड़ा सा टेक्स्ट बढ़ा देता हूं। यहां पर चलते हैं ऑर्डर लिस्ट में और देखो यहां जाने के बाद मैं थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा देता हूं। मैं लिखता हूं लोरम और टैब दबाता हूं, तो यहां से इतना ना करके यहां से मैं इतना डिलीट कर दे रहा हूं ऐसे। और डिलीट करने के बाद ये इतना रहने दिया, सेव किया। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर आ गया, तीन लाइनें आ गई। अब क्या है कि मैं जो है पहली बात तो यहाँ पर बंगाली की जगह हटा देता हूँ, मैं डेसिमल कर देता हूँ, डेसिमल और डेसिमल करके सेव करते हैं। देखो डेसिमल आ गया। अब देखिए मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ लिस्ट स्टाइल पोजिशन, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखो लिस्ट स्टाइल पोजिशन। अब इसमें हम करते हैं देखो आउटसाइड, तो आउटसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये आउटसाइड तो है ही, बाय डिफॉल्ट आउटसाइड ही रहता है। लेकिन जैसे ही आप इनसाइड करते हैं देखो क्या होने वाला है, देखो इनसाइड, जैसे हम इनसाइड करते हैं सेव करें तो देखो क्या हुआ, ये टेक्स्ट के अंदर चला गया, नंबरिंग भी है टेक्स्ट के अंदर चली गई, ये इनसाइड हो गई टेक्स्ट के। ठीक है देखो ये पहली लाइन इंडेंट हो गई और देखो सारी जो लिस्ट थी वो आगे चली गई। ठीक है ये हो गई लिस्ट स्टाइल पोजिशन की वैल्यूज। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है लिस्ट स्टाइल इमेज। तो भाई इसके लिए हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए, वो भी बहुत छोटी, जो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको ऑनलाइन उठा लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर न्यू टैब लेता हूँ और न्यू टैब लेने के बाद मैं यहाँ रखता हूँ, देखो यहाँ लिखता हूँ मैं आइकन फाइंडर। आइकन फाइंडर मैंने खोला गूगल पे, तो देखो पहला ही लिंक मेरे पास है आइकन फाइंडर का। और देखो यहाँ पर मैं एरो की जो है वो सर्च कर लेता हूँ, एरो सर्च कर रहा हूँ। और एरो सर्च करने के बाद देखो यहाँ पर फ्री आइकन ओनली पे क्लिक कर दें, तो फ्री आइकन पे क्लिक करने के बाद देखिए सारे आइकन वो हैं जो फ्री हैं, उनको आप किसी को उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, मैं इसको ले लेता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया एरो की पे, ये वाला एरो की मैं ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ से साइज बता दीजिए, जैसे मोर साइज हम कर लेते हैं, मोर साइज करने के बाद देखो यहाँ पे 16 पिक्सल साइज ले लेते हैं सबसे छोटा साइज। और हम डाउनलोड आइकन करते हैं, डाउनलोड आइकन इन PNG, इसमें हम क्लिक करते हैं, देखो ये आइकन डाउनलोड हो गया। और देखो यहाँ पर शो ऑल पे गए हम और शो इन फोल्डर पे गए, तो देखो ये आइकन आ गया। हम यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, कट, और डेस्कटॉप पर चलते हैं। देखिए डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ पर हुसैन सर, तो हुसैन सर पे चलते हैं। हुसैन सर के बाद देखो यहाँ पर मिलेगा लर्न CSS और ये मेरा फोल्डर है जहाँ पर मेरी SIT बन रही है। और इसके बाद राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं नाम कर दिया मैंने एरो, और एरो करने बाद arrow.png, और इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं और ये भी आप क्लोज कर दें। अब देखो हम यहाँ पर UL में चलते हैं और UL में जाने के बाद यहाँ लिखते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज। हमने लिख दिया लिस्ट स्टाइल इमेज, और लिस्ट स्टाइल इमेज लिखने के बाद हम करते हैं URL। तो URL लिखने के बाद हम यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं उसका नाम, वो उसका नाम है देखो arrow.png उसका नाम है। और हमने यहाँ पर इसे सेव किया, तो सेव करने के बाद देखो जो हमने इमेज यहाँ पर PNG ली थी वो देखो मार्कर बन के यहाँ सामने आ गई। तो इस तरह से हम यूज करते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज का। ठीक है अब अगली प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल जो शॉर्ट हैंड है सबको एक साथ देखने के लिए, तो उसको भी करके देख लेते हैं लिस्ट स्टाइल को। तो हम यहीं पर लिस्ट स्टाइल छोड़ते हैं खाली, देखो इसको, और यहां से हम लिखते हैं ऐसे लिस्ट स्टाइल। अब लिस्ट स्टाइल लिखने के बाद में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा स्क्वायर, हमने लिखा जी SQA स्क्वायर, और स्क्वायर लिखने के बाद हमने कर दिया इनसाइड, इनसाइड दो चीजें एक साथ हो गई, स्क्वायर इनसाइड। तो हम देखो सेव करें तो देखो स्क्वायर भी होगा इनसाइड भी, मतलब आगे बढ़ गया ये। अगर ये और ज्यादा टेक्स्ट होता है इसमें तो वही जैसे यहां पर हुआ है वैसा ही होता। ठीक है जैसे मान लीजिए ये है, मैं इसको हटा देता हूं, देखो इसको इसी को एक जगह लिख देते हैं, टाइप को यहां से हटा देते हैं लिस्ट स्टाइल लिखने के बाद, डेसिमल और यहां लिख देते हैं इनसाइड। तो देखो ये दोनों बातें इसमें एक साथ हो गई, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, डेसिमल इनसाइड, ये शॉर्ट हैंड तरीका है। तो इसके साथ आप इमेज भी लगा सकते हैं, इमेज लगाने के लिए आप यहां पर लिखें URL और URL लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें और यहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें जी arrow.png, आपने लिख दिया और सेव किया। अब देखो यहां पर मार्कर में स्क्वायर की जगह इमेज आ गई। अब क्या होता है कि अगर इमेज इसको नहीं मिलेगी तो स्क्वायर अप्लाई होगा। ठीक है ये देखिए अगर इमेज नहीं मिलेगी तो स्क्वायर अप्लाई होगा। जब जैसे मैं इमेज का थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूं देखो ऐसे और सेव कर रहा हूं, सेव करते देखिए स्क्वायर अप्लाई हो गया, नहीं तो क्या होता है डिस्क अप्लाई होता। ठीक है तो इस तरह से हम शॉर्ट हैंड तरीके से लिस्ट स्टाइल को भी यूज कर सकते हैं। तो बस ये था हमारा ट्यूटोरियल CSS लिस्ट स्टाइल का। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।